ढूंढा, पेड़ों में भी जीवन होता है, तभी तो पेड़ बड़े होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। पेड़ से फल तोड़ा, सब्जी तोड़ी, तो वो भी तो मारना हुआ ना। तुम लोग भी तो मारते हो। तुमने ककड़ी टमाटर को मारा, हमने मछली मुर्गा मारा, इसमें क्या प्रॉब्लम? लोग गलत काम करके नरक जाने में बड़े खुश हैं, लेकिन सरलता से शास्त्र का नियम मानने में खुश नहीं। बड़ा सरल है, भगवान का भजन करो, सादा जीवन रखो, है ना, किसी का जीवन मत लो, नशा पान मदिरा मांस तमाकू ये सब त्याग दो, भजन करो सरलता से, अपना दाल खाओ, भात खाओ, बैगन भाजा खाओ। लोग बोलते हैं, अरे तुम जब सब्जी तोड़ते हो पेड़ से, तो वो भी तो किसी का जीवन है, पेड़ में भी तो जीवन होता है। हमारे बंगाल में जेसी बोस, जगदीश चंद बोस ने ढूंढा, पेड़ों में भी जीवन होता है। कोई प्रॉब्लम है? दोनों ही तो जीवन है, लेकिन एक फर्क है। टमाटर की सब्जी को पेड़ से जब टमाटर तोड़ लेते हो, अगले दिन दूसरा टमाटर आता है कि नहीं आता? लेकिन मुर्गे की गर्दन जब काट देते हो, अगले दिन दूसरा मुर्गा निकलता है उसमें? लोग बोलते हैं, गाय का दूध पीते हो, मुर्गी का अंडा खाते हो, बराबर बात है? बराबर कैसे? गाय का दूध लेने पर गाय को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन मुर्गी का अंडा खाने पर मुर्गी का जो बच्चा है, जो उस अंडे से पैदा हो सकता था, आपने उस भ्रूण को, उस गर्भ के बच्चे को खा लिया। किसी माँ के बच्चे को खाने पर आपको क्या लगेगा? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, बाद में यमराज के खाओ ढंडे। ये नियम है, शास्त्र के नियम है। किसी का जीवन कैसे? एक स्त्री मुझे बोल रही थी प्रवचन के दौरान, अरे क्या दिक्कत है, गाय का दूध पीते हो आप लोग। मैं कहा, हम गाय को खाते तो नहीं है। मैं कहा, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है, तो वो माँ की कोई हानि तो नहीं है ना, लेकिन माँ के गर्भ में कोई दूसरा बच्चा आने वाला हो एक साल बाद, और एक साल का बच्चा तो स्तनपान करता है, तो ये बच्चा बोले, मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज मैं अपने भाई को खाऊंगा पेट के अंदर से। तुम बच्चे को अपने भाई को खाना पाप है, वैसे ही मुर्गी के अंडा खाना पाप है, लेकिन जैसे माँ के स्तन से दूध पीने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो तो माँ के स्तन से निकल ही रहा है, ऐसे ही एक बच्चे का दूध पीना कोई पाप नहीं है। तो बोले, सब्जी में तो जीवन है, उसको पेड़ से तोड़ा, उसका अंग खा लिया, जैसे कोई हमारी उंगली काट कर ले जाए तो पाप तो हुआ, छोटा हुआ, लेकिन इसमें एक नियम है। जैसे देश के सिक्योरिटी बॉर्डर पर बीएसएफ आर्मी कमांडर के ऑर्डर पर गोली चलाती है, फायर, धड़ 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 गोलियां चली और ये कई सारे दुश्मन मार दिए, सैनिक ने गोली चलाकर कई लोगों को मार दिया, तो इस आर्मी के सैनिक को लोगों का मर्डर करने पर चक्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितने लोग बोलते मिलेगा चक्र? अरे इसने मर्डर किया, चक्र मिल रहा है, चक्र मिल रहा है, मर्डर करने पर चक्र क्यों मिल रहा है? मारा ना, पाकिस्तान को मारा, बांग्लादेश को मारा, किसी को मारा, नेपाली को मारा, चाइना को मारा, किसी को मारा, क्यों मिल रहा है? हाँ जी, देश की रक्षा के लिए। अभी वही आर्मी का व्यक्ति आपके एरिया में आए, बोले मैं बॉर्डर से छुट्टी पर आया हूं और आपके मोहल्ले में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, और वो सरकारी रिवॉल्वर निकाल के गोली मार दो, ठाए, उसने देश की रक्षा करी ना? क्यों? वहां गोली चलाई तो वहां पे तो चक्र दे रहे थे, अभी कह रहे हो नहीं, गोली तो वही सरकार की बंदूक, सरकार का आदमी, वही फौजी, क्या फर्क है? जगह अलग है, पर फौजी तो देश की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा यहां पे भी है, वहां पे भी है। वहां पर उसने कमांडर के ऑर्डर पर गोली चलाई थी, यहां उसने अपनी इच्छा से गोली चलाई। ऐसे ही हमारे कमांडर कौन है? भगवान कृष्ण। उन्होंने जो ऑर्डर दिया खाने के लिए, वो खाने पर कोई पाप नहीं, और वो जो ऑर्डर नहीं दिया वो खाने पर पाप लेगा। भगवान ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपारितम अश्नामि प्रयत्आत्मनः। तुम पत्ते खा सकते हो, पत्ते यानी गोभी का पत्ता, पालक का पत्ता, मूली का पत्ता, केले का पत्ता,
केले की गाछ कुछ भी खाओ। अभी तो केले का क्या खिला रहे थे, कल थोड़ खिला रहे थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते कहीं ना कहीं से, लेकिन पाप नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम। केले का फूल खाते हैं लोग बना करके, गोभी का फूल खाते हैं, गोभी फूल कितने सारा, पत्रम पुष्पम फलम, केला खाओ, अमरूद खाओ, अंगूर खाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जल दूध और जल से बनने वाले पदार्थ जैसे कि जूस हो गया, जो इसको खाने पर भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भक्ति पूर्वक मुझे तुम इसे भोग लगाओगे, तुलसी लगा करके फिर तुम इसको खाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी कृपा बन जाएगी, प्रसाद बन जाएगा, इसको खाने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर भगवान को हमें अंडा मांस खिलाना होता तो भगवान को गीता में ये बोलते अंडम लहसम प्याजम मांसम, बोलने में क्या दिक्कत है, बोल दे खाओ भाई, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने जो ऑर्डर दिया उतना ही खाना, ज्यादा नहीं, यम शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र की विधि छोड़नी है, यही फर्क है असुर में और देवता। हिरण्याक्ष ने शास्त्र को नहीं माना, हिरण्यकश्यपु ने शास्त्र को नहीं माना, जब भाई का मर्डर हो गया, वो जान रहा है कि भगवान विष्णु ही करने वाले हैं, लेकिन यहां पर विष्णु को अपना विरोधी मान लिया, क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा, बोला